तो पैथन में हम बात कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इफ जो है डिसीजन मेकिंग का काम आता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा ना हो, ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे कंडीशन जैसे अप्लाई होता है उसके लिए हम इफ का यूज करते हैं। और इफ नॉट पैथन, आपका VVA, आपका जावा स्क्रिप्ट, आपका SQL, सब में इफ का एक अच्छा खासा रोल है, क्योंकि बगैर इफ का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। सॉफ्टवेयर क्या, बिना कंडीशन के तो हमारी लाइफ भी नहीं चल सकती। लाइफ में भी सारे कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशंस के ऊपर, कंडीशंस फुलफिल होने के ऊपर हमें डिसीजन देना है, नहीं फुलफिल होने के तो डिसीजन नहीं देना है, ये हमारा इफ स्टेटमेंट करता है। इफ का साइंटेक्स सिंपल है, इफ डालिए, अपना एक्सप्रेशन डालिए, टेस्ट जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो डालिए, फुलफिल हुआ तो जो रिजल्ट शो करना है शो रिजल्ट डालिए, सिंपल सा इसका स्टेटमेंट होता है। अब बात करते हैं हम कि इफ के कितने पार्ट्स होते हैं, इफ का फ्लो चार्ट क्या, और सिंपल सा इफ चलता है कि टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो बॉडी शो करेगा, मतलब कि रिजल्ट शो करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर वापस फॉल्स रिजल्ट अगर दिया हुआ है तो शो करेगा, अदरवाइज अदर एप्लीकेशन अदर टॉपिक को फॉलो कर देगा। इसके बाद टाइप ऑफ इफ के बारे में बात करें तो बेसिकली इफ के तीन पार्ट्स हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो वन बाय वन हम तीनों के बारे में बात करेंगे, या कह दीजिए सिंगल कंडीशन है तो इफ हो गया, डबल कंडीशन है तो इफ एल्स हो गया, अगर कई सारे कंडीशन है तो एल्स इफ हम लगाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट सिंपल सा जो मैंने बताया, ये इफ स्टेटमेंट का वर्क होता है और इसका जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल है। अब चलिए हम VS कोड ओपन करते हैं और VS कोड के अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। VS के ओपन किया और यहां से पहले से इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको यहां से हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा इफ कंडीशन लगा, यहाँ पे ए देते हैं कि ए इक्वल टू इनपुट, इनपुट में मैंने बोल दिया कि एंटर एंटर सिटी कोड और स्लैश टी कर दिया ताकि टैब दिख सके। उसके बाद कंडीशन देते हैं कि इफ ए इक्वल नहीं डबल इक्वल, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक में डबल इक्वल होता है, इक्वल डबल इक्वल यहाँ पे हमने दिया DL, अगर DL है तो यहाँ पे सेमी कोलन, जस्ट एंटर प्रेस कीजिए, टैब वो मारने की जरूरत नहीं। हाँ कर्सर यहाँ आ जाए तो टैब मारिए, क्योंकि इफ के सिमिलर में प्रिंट नहीं होना चाहिए, प्रिंट हमेशा लॉजिक के सिमिलर में होना चाहिए। तो प्रिंट प्रिंट में हमने यहाँ पे दिया सिटी न्यू दिल्ली, तो अगर इनपुट में दिल्ली डलता है तो हमें न्यू दिल्ली शो होना चाहिए। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं, जब रन करते हैं नीचे फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ले रहा है, एंटर सिटी कोड और सिटी कोड में मान लीजिए हमने यहाँ पे वन डाल डीएल डाल दिया, डीएल डालते हैं एंटर मारते हैं तो न्यू दिल्ली आता है। अच्छा नहीं, डीएल में यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैं देता हूँ वन, कि वन हो तो डीएल हो तो न्यू दिल्ली हो, तो वन डाल के एन यहाँ पे यहाँ नीचे क्लिक किया, वन डाला, एंटर प्रेस किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हमने लगाया है इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स में जब कोई वैल्यू डलती है तो बाय डिफॉल्ट वो होता है टेक्स्ट। तो ए जो है वो वन को एज ए नंबर वन नहीं, उसको एज ए टेक्स्ट वन, ABCD कैटेगरी में मैंने इसका जात बदल दिया, इसने ये पहले ब्राह्मण था अब इसको राजपूत कर दिया। तो कैसे करें, उसके लिए हमें कन्वर्ट करना होगा, हमने तीसरी वीडियो में बात भी की थी, हम लिखेंगे ए इक्वल टू इंट ए, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें। अब यहाँ पे हम प्ले करते हैं, अब मुझे है यहाँ पे एंटर कोड, कोड में हमने यहाँ पे वन डाला तो देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली रिजल्ट हमारा शो कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन ला देता हूँ यहाँ पे कि इफ ए डबल इक्वल टू सेमी कॉलन, और यहाँ पे करता हूँ कि प्रिंट क्या होना चाहिए, होना चाहिए मुंबई।
मुंबई। अब यहाँ पे हम रन करते हैं, यहाँ पे देखिए टू डाला तो मुंबई आ गया। अब यहाँ पे हम नया डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं इफ, यहाँ पे ए डबल इक्वल टू हमने 3 कर दिया है। अगर 3 हुआ सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, तो आना चाहिए प्रिंट में, प्रिंट क्या आना चाहिए, प्रिंट बनाना चाहिए कोलकाता, कोलकाता। अब रन कीजिए, सेम ऐसा ही दिखाएगा कि यहाँ पे 3 करूँगा, यहाँ पे हम जब 3 करेंगे तो ये हमारा कोलकाता दिखाएगा, कलकत्ता हो गया कोलकाता था ना, ये चीज हम कर लिए। अब यहाँ पे बात बात आती है कि क्या हम टेक्स्ट के साथ ऐसे ही खेलेंगे। जी हाँ, टेक्स्ट के साथ भी ऐसे ही खेल सकते हैं, इसके लिए इंट हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इफ ए डबल इक्वल टू डीएल हो, क्या हो, डीएल सेमी कॉलन, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे प्रिंट कमांड डाला और यहाँ पे लिखा न्यू दिल्ली। तो रन करते हैं, यहाँ से रन करने के बाद यहाँ डीएल लिखते हैं, डीएल एंटर करते हैं, दिल्ली आ जाता है। लेकिन क्या स्मॉल लेटर में डालने में होगा? अब मैं यहाँ पे डीएल स्मॉल केस में डालता हूँ, देखिए कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। ध्यान रखिएगा कि पैथन के इफ में जैसे टेक्स्ट और नंबर का जो डेटा टाइप है वो सेंसेटिव होता है कि अलग अलग डेटा टाइप को लुकअप नहीं करेगा, वैल्यू सेम क्यों ना हो, उसी तरह से यहाँ बड़े और छोटे का फर्क होता है, कि बड़े और छोटे का फर्क रखा जाता है, कि आपको डीएल कैप्स में डालेंगे तो आपको रिजल्ट शो करेगा, आप अगर स्मॉल में डालेंगे तो आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। लेकिन मुझे अगर केस सेंसिटिव को बाईपास करना, भाई वैल्यू कुछ भी डाले रिजल्ट जो है बाईपास होना चाहिए, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम यहाँ एक कोड ऐड करेंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए डॉट अपर, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सिंपल सा। अब एक बार डाल के देखते हैं, अब यहाँ पे कैप्स में रखेंगे क्योंकि यहाँ कैप्स होगा, यहाँ यहाँ कैप्स नहीं होगा तो कैप्स कर देगा, और लुकअप मैच तो हम कैप्स से कर ही रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्मॉल लेटर में डीएल डाल के एंटर प्रेस किया, देखिए न्यू दिल्ली शो कर दिया क्योंकि उसने कैप्स में अपडेट कर दिया, मतलब कि कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए दूसरा कंडीशन लगाते हैं कि इफ ए ए इक्वल टू हो एम एच देन, तो ए नहीं ए होना चाहिए और डबल इक्वल होना चाहिए, यहाँ हमने प्रिंट लगाया प्रिंट, और प्रिंट में हमने यहाँ पे दिया मुंबई, मुंबई। अब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे ए मुंबई शो करेगा, अगर मैं यहाँ पे एम एच डालता हूँ तो मुंबई शो करेगा। उसी तरह से चलिए एक तीसरा लेटर भी डालते हैं, ये तीसरा इसमें कि इफ ए डबल इक्वल टू यहाँ पे मैं डाल दिया के, मतलब कि कोलकाता, कॉलन डाला, नीचे प्रिंट का कमांड देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे हमने बोल दिया कोलकाता, कोलकाता। अब हम प्रिंट करेंगे, अगर हमने केएल डाला तो वो सॉरी नीचे डालना, केएल डाला एंटर प्रेस करेंगे तो कोलकाता दिखाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम सिर्फ इस तरह के नंबर पे ही वर्क कर सकते हैं या कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं? जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जी हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब इसको मैं कट करके इसको स्टोर कर लेता हूँ नोट पैड में, ताकि हम डीवीडी वाले अपने जो हैं उसमें इसको दे सकें। अब बारी आती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में मैंने यहाँ पे डाल दिया एंटर एम आर। एमआरपी क्या है, इसका मतलब तो नंबर है, कैलकुलेशन नंबर पे होता है, तो हमें यहाँ पे करना है ए इक्वल टू इंट ए, ताकि ये कवर हो जाए।
ताकि टैक्स ना हो, क्योंकि टैक्स के ऊपर तो कैलकुलेशन होता ही नहीं है। इसलिए अब यहां कंडीशन देना है कि इफ ए डबल इक्वल टू, ए डबल इक्वल टू, ए हमारा होगा ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 500, तो यहां हम करते हैं बी बी इक्वल टू 0.12 और प्रिंट शो करते हैं कि प्रिंट /t और यहां पे कॉमा ए कर दें। और इसको एक बार रन करके देखते हैं, रन किया और एमआरपी यहां पे डाल रहे हैं 600, ओ सॉरी ए नहीं होगा बी होगा, हमने यहां पे ए लिख दिया, बी होगा। और एक चीज यहां होगा कि हम यहां पे /t कर स्पेस डाल के /t कर देते हैं ताकि एक टैब का दूरी दे, क्योंकि ऊपर में यहां देखिए एकदम नजदीक में था इसलिए। अब इसको रन करते हैं, यहां पे मैंने यहां नीचे हमने 600 का डाला एंटर, तो 72.0 का जीएसटी आ गया। तो इसने हमने बोला कि भाई अगर 500 से ऊपर, अगर 500 से ऊपर अगर जीएसटी है तो जीएसटी कैलकुलेट करो, अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार और रन करते, इस बार मैं 400 देता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया 400, तो आप देखेंगे कि जीएसटी का रिजल्ट जो है प्रिंट जीएसटी नहीं आया। तो इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने अदर केस में, एल्स केस में, अगर मान लो 500 से ऊपर ना हो तो क्या शो होना चाहिए, इसका कुछ हमने नहीं डाला हुआ है। ये हमारा दूसरा इफ एल्स पार्ट में आएगा, जो कि हम दूसरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इसके ऊपर कीजिए प्रैक्टिस और हम अगले वीडियो में बात करेंगे हम इफ एल्स के बारे में।